ग्राम प्रधान की दबंगई, परिवार सहित मिलकर दलित परिवार को लाठी डंडों से पीटा। भूरपुर थाना क्षेत्र सिंधवार गांव में प्रधान पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष दलित परिवार के लोगों को लाठी डंडा फरसा जमकर चलाया। मारपीट में दोनों तरफ से 13 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को उपचार के लिए CHC जसरा ले जाया गया है। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान रमाकांत विश्वकर्मा और गांव के ही सोनकर परिवार से रास्ते को लेकर विवाद पहले से था। मंगलवार दोपहर रास्ते से गुजर रहे लोगों से रास्ते को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया। बाद में मामला तूल पकड़ता नजर हुआ आया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडा धारदार हथियार निकाल लिए गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट में दलित पक्ष के 9 लोग व प्रधान पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें दलित परिवार में महिलाएं भी शामिल हैं। दलित पक्ष में आयुष कुमार सोनकर, पुत्र दुर्गेश कुमार सोनकर, आशीष कुमार सोनकर, पुत्र राज बहादुर सोनकर, सोनू पुत्र स्वर्गीय अम्बेलाल, संतोष कुमारी पति दुर्गेश कुमार सोनकर, करुणा देवी पति अम्बेलाल सोनकर, रेखा देवी पति राज बहादुर, संगीता सोनकर पति अंकेश सोनकर, बिटोला देवी राजेश पति प्रीति पति उगेश सोनकर चोटिल हुए। प्रधान पक्ष में शशिकांत विश्वकर्मा, पुत्र ब्रजलाल विश्वकर्मा, कुशल विश्वकर्मा, पुत्र रमाकांत विश्वकर्मा, प्रधान अनुराग विश्वकर्मा, पुत्र कृष्णकांत विश्वकर्मा, गुलशन विश्वकर्मा, पुत्र रमाकांत विश्वकर्मा चोटिल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस, चोटिलों को उपचार के लिए CHC जसरा ले जाए गए। दोनों पक्षों की तहरीर दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। प्रयागराज भूरपुर से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। ये लोग मिलके, ये सब लोग मिलके मारने लगे उसको, भैया भैया कहने लगे। श्रीकांत विश्वकर्मा जी ने हमारे बेटे को ठेल दिया, गिर पड़ा, हम लोग बीच में घुस गए। हमका भैया हटो 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 करने के लिए हम अपने लड़के को उठा, लेकिन वो पत्थर पटकने जा रहा था। आज हमारा लड़का मर जाता तो आज हम किसके सहारे रहते। उनका कहना है कि आप लोग उनके घर चढ़ के मारे। नहीं, हम बैंक से आ रहे थे। हम दो लोग थे, ये हम तीन लोग थे। तुम लोग नंदू की दुकान से आए हो, और वो क्या कहते हैं, उसके दरवाजे पर खड़े हो पाए हो, तुरंत ऐसे किया इसने ऐसे किया, ऐसे मार तोड़ फोड़, ऐसे जो पा रहा है वो ऐसे कर रहा है। हमको ठेल दिया, हमारी चूड़ी भी टूट गई, इसकी मम्मी भी बहुत गाली दे रही थी, अब अभी भी ये लोग धमकी दे रहे हैं। ये तो फैसला हो जाएगा, ये लोग बने भी बोल रहे हैं कि फैसला, अगर हमारे विरुद्ध, अगर हमारे परिवार वाले को कुछ हो गया इनके खिलाफ, तो फिर देखना। आप बैंक से आ रहे थे अपने, तो हम कह देखी जो पैसा आया है खाते से निकाल के अपना सिलेंडर भरवा ले, गेहूं काट के आए थे, हम लोग नहाए तक भी नहीं। तो मेरा लड़का जो है इनके चौतरा पे से गाड़ी लेके चला आया, और ये जो नहा रहा था इसने गाली दिया हमको। बताते हुए सर हमारे, हम गाली नहीं बताएंगे, ये अपना कहे। हमने कहा चुप रहो, अपने लड़के को चप्पल ताल नहीं मारने के लिए, उनका चलो घर, तो चलो घर। लेकिन इनके पापा जो है प्रधान श्रीकांत विश्वकर्मा जी ने कहा हम जाते, लेकिन तुम्हें चमका लगा के यहाँ धमक दे। सब लोग कैसी घटना है, किस तरह से लड़ाई हुई तुम लोगों ने? इसके द्वार पे आने से रास्ते में पीछा था, इसलिए हम इसके द्वार पर से आए थे। इतने में गर्मी आम, किस बात को लेकर गर्म हुई कि हम जो इसके द्वार से गाड़ी लेके आए थे, इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा तुम जी? कितने लोग थे आप लोग? तीन, हम थे, हमारी चाची मम्मी, और ये था इसके पिता थे, और एक लोग और थे बुढ़े थे, और इसकी मम्मी भी थी। तो कैसे झगड़ा हुई, मतलब किस बात को? आप लोग इकट्ठा जब थोड़ा सा पानी के घर पे नहा रहे थे, उसके बावजूद ये आप लोग कैसे झगड़ा कर लिए? बात ऐसी थी सर कि ये लोग बैंक में गए थे, बैंक से वापसी आ रहे थे, तो गली जाने की जो है उसमें कीचड़ था, वो रास्ते से निकल रहे थे काफी लोग, वही रास्ते से ये भी निकल गया, इसीलिए ये लोग गाड़ी को उत्तर देकर ये और ये इन दोनों को बहुत मारे, और हमारे घर वाले सुने भी, हम लोग भी आए, तो हम सोचे कि 100 नंबर बुलाकर थोड़ा पंचायत हो जाए, इसीलिए ये लोग हम लोगों को पहुंचने से पहले ही पहुंचे वहां पर, तुरंत लाठी डंडा निकाल कर मारना चालू कर दिए। लाठियों से मारे जी सर, लाठी डंडा। कितने लोग आए थे ये लोग मारने? ये सर इनके घर प्रधान जी है ना, पीछे प्रधान जी है, चल के वहां से बुलाकर कुछ पंचायत हो जाए, समझौता हो जाए, पर ये लोग पहुंचते ही तुरंत लाठी डंडा ईटा जो मिला उससे मारकर मारना शुरू कर दिया। आपका नाम? आशीष कुमार सोनकर, गाँव सिंधवा। किस तरह की झगड़ा हुई, क्यों झगड़ा किया आप लोग? सर हम तो थे ही नहीं उस समय लड़ाई के समय, वो हम बाद में आए थे, घर में बैठे थे ही, तो पूरी फैमिली आए के बस टूट पड़े हम लोगों पर, हमारे पक्ष से ज्यादा लोग घायल हैं।
वो लोग बोले हैं कि आप लोग जाके मारे। नहीं सर, हमारे घर पे लड़ाई हुई है, ये लोग हमारे घर पे आएंगे, पूरी फैमिली हमारी। अब देखिए सर, हम हमारी तरफ से सिर्फ चार लोग आए हैं, इनकी तरफ से पूरा घर आया है। अब आप इतने में ही समझ लीजिए कि कौन कहाँ से आया है। हमारे घर पे आके ये लोग लड़ाई किए हैं। अगर हम लोग अगर लड़ाई करने पे होते, इतने लोग चोटी हुए सर, हम लोग तो चार लोग हैं। गंभीर रूप से, गंभीर रूप से इनको 6 इंच का घाव हो गया, सिर में धारदार चीज से मारा गया इनको। किस चीज से मारे हैं सर? यही ये लोग अपना तैयारी बना के आए थे, फरसा वगैरह लेके सब, यही सब अपना घर से आए थे लोग। हम लोग सर अपने घर बैठे थे, लड़ाई के मूड में थे नहीं हम लोग, और बस ये आते ही, बस पहुंचते ही ये लोग लड़ाई करने लगे। आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत विश्वकर्मा। कौन सा गांव? बोलो, चंदवा।